अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. लेट्स स्टार्ट ओवर टू डेज वर्क. नाउ वी आर गोइंग टू डू वर्क ऑफ इंग्लिश वर्कबुक. सो ओपन योर इंग्लिश वर्कबुक एंड द पेज नंबर इज 23. इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 23. योर टॉपिक इज़ नाउन. ये हमारा ग्रामर सेक्शन है और ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले हम नाउन कर रहे हैं. पेज नंबर 23 पर आपका टॉपिक है नाउन. नाउन, व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग एज टेबल लाइन ETC. यानी नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, जैसे कि मेज़ या शेर वगैरह. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. यानी नाम जो है, नाउन जो है वो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं. नाउन को करने के लिए आपने सेम यही डेफिनेशन नीचे राइट करनी है और इसको याद करना है. लाइक दिस, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स एज टेबल लाइन ETC. एज इट इज आप नीचे डेफिनेशन राइट करेंगे. कलर द स्पेस रेड इफ इट्स नेम अ पर्सन. कलर द स्पेस ब्लू इफ इट्स नेम नेम्स अ थिंग. कलर द स्पेस येलो इफ इट नेम्स अ प्लेसेस. कलर द स्पेस ग्रीन इफ इट नेम्स एन एनिमल. अब आपके लिए ये एक बॉक्स दिया गया है और कहा गया है कि अगर तो वो पर्सन नेम है, किसी शख्स का नाम है, तो आप उस बॉक्स में रेड कलर करेंगे. अगर वो किसी चीज़ का नाम है तो आप ब्लू कलर करेंगे. और अगर किसी जगह का नाम है तो आप येलो कलर करेंगे. जबकि अगर किसी एनिमल का नेम है तो आप उसमें ग्रीन कलर करेंगे. मैंने यहाँ पे कलरिंग तो नहीं किया, लेकिन राइट किया हुआ है. देखिए, बस किसी चीज़ का नाम है तो हम इसमें ब्लू कलर करेंगे. कार भी किसी चीज़ का नाम है तो हम इसमें ब्लू कलर करेंगे. फ्रॉग एनिमल्स में आता है तो हम इसमें ग्रीन कलर करेंगे. वाटर किसी चीज़ का नाम है तो ब्लू कलर करेंगे. क्रो एनिमल या परिंदे में आता है तो हम इसमें ग्रीन कलर करेंगे. लाइन में भी ग्रीन कलर करेंगे. मैन किसी शख्स को हम कहते हैं तो उसमें हम रेड कलर करेंगे. होम जगह का नाम है, यानी घर है, तो इसमें हम येलो कलर करेंगे. फार्मर किसान, ये भी शख्स का नाम है, हम इसमें रेड कलर करेंगे. शिप ये एनिमल है, हम ग्रीन कलर करेंगे. सिटी शहर है, हम येलो कलर करेंगे. फ्लावर जो है वो किसी चीज़ का नाम है तो इसमें हम ब्लू कलर करेंगे. टीचर किसी शख्स का नाम है तो हम रेड कलर करेंगे. स्कूल में येलो कलर करेंगे. चेयर में ब्लू कलर करेंगे. लाहौर में येलो कलर करेंगे. मंकी में ग्रीन कलर करेंगे. विलेज में हम येलो कलर करेंगे. बेड में हम ब्लू कलर करेंगे. हॉस्पिटल में हम येलो कलर करेंगे. इस तरह से आपने अपने सारे कलर्स कंप्लीट करने हैं. एक दफ़ा फिर से देखें, किसी शख्स का नाम होगा तो रेड कलर होगा, चीज़ का नाम होगा तो ब्लू कलर होगा, जगह का नाम होगा तो येलो कलर होगा, जबकि किसी एनिमल का नेम होगा तो ग्रीन कलर होगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैन यू गेस द नाउन्स फ्रॉम द क्लूज बिलो. क्या आप इन क्लूज में से नाउन्स को गेस कर सकते हैं? हमने पहले इनके नेम राइट किए थे, आज हम इसको चेंज करेंगे. पहले आप इनको कट कर दें, आप ये राइट नहीं करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ स्टिक्स, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके नाम नहीं लिखने, हमने इनको गेस करना है कि ये क्या है. अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ स्टिक्स, ये हमारे पास मैच बॉक्स है, यानी एक छोटा सा घर जिसके अंदर स्टिक्स होती हैं, जिसको हम माचिस कहते हैं. तो आप यहाँ पर मैच बॉक्स राइट करेंगे. समथिंग वी पुट ऑन अ लेटर.
इसमें आप लेटर ही राइट करेंगे। नंबर थ्री, वी पुट ऑन द लाइट विद दिस, वी पुट ऑन द लाइट विद दिस, इसमें आप कैंडल राइट करेंगे। नेक्स्ट वन इज वी कीप ओवर सेल्स वार्म एट नाइट विद दिस, यानी इससे हम रात को खुद को गर्म रखते हैं, तो आप ब्लैंकेट राइट करेंगे, BLANKET, ब्लैंकेट, आप ब्लैंकेट राइट कर देंगे। पेज नंबर आपका 23 है, पेज नंबर 23 पे आपके नाउन है, नाउन की डेफिनेशन है, देन आपने कलरिंग बतानी है कि कौन कौन सी कलरिंग हुई है। पहले आप नाउन की डेफिनेशन एज इट इज़ नीचे राइट करेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग एज टेबल लाइन ETC। इसके अलावा ये बॉक्स आपके सामने दिया गया है, इस बॉक्स में आपने कलरिंग करनी है ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। उसके बाद नीचे ये आपको दिया गया है, क्लूज दिए गए हैं, नंबर वन का मैच बॉक्स है, नंबर टू लेटर, नंबर थ्री कैंडल, नंबर फोर ब्लैंकेट। पेज नंबर 23 है आपका। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।